हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे स्पेशल तरीके से, और आप इस ब्रेड पकोड़ा को खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, और इसे हम बिना मैदा बेसन के बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं हम। इसे बनाने के लिए उबले आलू ले लिया है। आलू जब ठंडे हो जाएंगे तो इसके छिलके निकाल देंगे और इसको अच्छे से मैश कर देंगे। इसको मैश करने के बाद इसका हम तड़का लगाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया, ये थोड़ा सा कढ़ी पत्ता ले लिया है, और हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। तो चलिए इसे बनाएंगे। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हमने 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई ऐड कर देते हैं। राई को चटक जाने दिया, फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें ऐड करते हैं। यदि आप लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहते तो उसको ना ऐड करें, विदाउट लहसुन प्याज के भी अच्छा बनेगा। इसमें कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल दिया, इसको भी फ्राई हो जाने देते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है। मसाले को भुनने के बाद इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देते हैं। आलू को भी 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको निकाल लिया। अब ये आलू वाले मिक्सचर को ठंडा हो जाने देते हैं। तो इसको हमने अच्छे से फैला कर रख दिया है। ये हमने ब्रेड ले लिया। तो ब्रेड के पकौड़े बनाने के लिए हमने एक बर्तन में पानी ले लिया, उसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। जब इसमें नमक घुल गया तो ये ब्रेड की जो स्लाइस है इसको हमने पानी में डिप किया, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ऐसे हाथ से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है कि ये ब्रेड है जो वो पूरा टूट जाए। तो इसको हमने गीला कर लिया है ब्रेड को, और ऐसे जब आलू ठंडा हो गया था तो इसकी ऐसे गोल गोल बॉल्स बना लिया, और इसको बीच में रखकर इस तरीके से बाइंड कर देते हैं जो इसका एक्स्ट्रा पानी है। तो इस तरीके से आप इसको बाइंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी इसका दबा दबा कर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको गोल गोल करते जाते हैं। फिर से इसकी ट्रिक देखिए, इसको हमने हल्का गीला किया और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकाल लिया। आलू वाले मिक्सचर की हमने ऐसे गोल बॉल्स बनाई, और इसको बीच में रखकर इसको ऐसा जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसको हाथ से ऐसे प्रेस करते हैं तो एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो निकल जाएगा, और ऐसे गोल गोल जैसे आलू बंडा बनाते हैं उस शेप का आपको बनाना है। अब इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं करीबन 8 से 10 मिनट। चाहे तो आप इसको फैन के नीचे रख सकते हैं, या फैन के नीचे रखेंगे तो ये थोड़ी से सूख जाएंगे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ काम करने में बिजी हो गए तो इसको आधा घंटे बाद भी डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। तो ऊपर की परत ये थोड़ी कड़ी हो जाती है, तो उसके बाद आप इसको डीप फ्राई करें। तो इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक इसको हम डीप फ्राई करते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, सच में फ्रेंड्स। आप इसे खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आप इसे इंजॉय करें। आप इसे टमाटर की चटनी और सॉस के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। तो हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।